आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम की 5:30 बजे से हो रही है, क्योंकि काफ़ी देर से हो रही है क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम रहा। आप लोगों को मैंने ब्लॉग में बताया था कि हमेशा की तरह हम भैंसों को ट्रेनिंग करवाने के लिए ले जाते हैं नीचे मंदाकिनी नदी के किनारे, तो इसलिए जिसके कारण ना ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, तो घर का काम रहता है काफ़ी सारा, तो इसलिए देर से कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग। और हो रही है शाम के 5:30 बजे से। 5:30 बजे का मौसम आप लोग देख सकते हैं भाई, आसमान में काले बादल छा गए हैं और काफ़ी तेज़ बारिश, मतलब हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और हल्की हल्की हवा भी शुरू हो गई है, ये देखिए भाई। और ना थोड़ी देर पहले तो मौसम बिल्कुल साफ था और काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली हुई थी, लेकिन अचानक से ना हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई और ऐसा लग रहा है ना जैसे अंधेरा होने ही वाला होगा, ये देखिए। जब अच्छी सी धूप खिली हुई थी ना, तो मैंने यहाँ बाहर पे अच्छी सी आग जलाई और बाकी यहाँ भट्टू पे मैंने रख रखी है राजमा दाल हो गया और साथ में भट रख रखे थे, तो अब लगता है चूल्हा गीला होने वाला है। यहाँ पे आग भी नहीं जल रही है भाई और काफ़ी तेज बारिश हो रही है, ये देखिए। यहाँ बाहर पे सोयाबीन और राजमा दाल रख रखी है भट्टू पे, तो बारिश लग रही है, कैसे पकेगा भाई राजमा दाल और सोयाबीन। जो ये भड्डू होता है ये काफ़ी भारी होता है और अगर ये नीचे गिर गया है ना तो ये टूट जाता है, और बाहर से इसकी लिपाई पोताई मम्मी ने ना राख से कर रखी है और मैंने इसमें सोयाबीन और राजमा दाल रखी, तो ये देखिए भाई लगता है पकने ही वाला है, क्योंकि बहुत पहले रख दिया था, 1 घंटा हो गया, लेकिन इसमें ना जो राजमा दाल, मतलब कोई भी दाल रखो तो देर में पकता है। और जो ये बर्तन है ना, ये काफ़ी पुराने ज़माने वाला बर्तन है, तो पुराने ज़माने में ना लोग दाल इसी में बनाते थे और काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है। नीचे किचन गार्डन में, किचन गार्डन से ना धनिया लेके आना है, धनिया हो गया और लहसुन के पत्ते। मुझे जाना है यहाँ ऊपर वाले सगोड़े में, तो अब मुझे यहाँ से निकालना है धनिया, और धनिया देखिए भाई बिल्कुल फूल गया है और इस पर वाइट वाइट से फूल आ रखे हैं, तो यहाँ से निकालूँगी मैं धनिया। तो मैंने इस वाले सगोड़े से इतना धनिया भी निकाल दिया है, अब यहाँ से निकालूंगी मैं लहसुन के पत्ते, तो 3-4 लहसुन के पत्ते भी निकाल दिए हैं। बाकी यहाँ पे ना प्याज पे अभी गुड़ाई करने के लिए हो रखा है, शायद कल परसों तक यहाँ गुड़ाई कर दूंगी और इसके ऊपर से ना गोबर भी डालूंगी। बाकी इधर की साइड से मैंने यहाँ पे फ्लास बीन बो रखी थी, अगर पक्षियों ने नहीं खाई होगी तो अच्छा होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब क्यारी का रखी है मैंने। बाकी उधर की साइड है मूली, तो मूली भी देखिए भाई फूल गई है। और यहाँ पे है जौ का खेत, तो जौ पे देखिए बालियाँ आनी भी स्टार्ट हो गई हैं, और अभी देखिए भाई सामने वाली पहाड़ी पे हल्की हल्की धुंध भी छा गई है। मैं घर भी पहुंच गई हूं, तो यहां पे ना और लकड़ियां लगा देते हैं जिससे राजमा दाल जल्दी पक जाए। वो चलिए जी देखते हैं राजमा दाल हुई कि नहीं हुई। तो राजमा दाल भी पक चुकी है यहां पे, ये देखिए
राजमा दाल और सोयाबीन। दोस्तों मैंने यहाँ पे ना इतना आटा भी निकाल दिया है, घर के गेहूं का आटा पीस रखा है मम्मी ने चक्की में। तो चलिए जी आटा गूंथ लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना गेहूं का आटा भी गूंथ के तैयार कर दिया है। तो चलिए जी अभी यहाँ बाहर पे ना बारिश बंद हो गई है, तो जो राजमा दाल रखी हुई थी ना, राजमा दाल हो गया और वो रखे हुए थे तो वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो इसको हम नीचे निकालेंगे इस भड्डू को। तो भड्डू में जो दाल रखी हुई है ना, तो इसको मैं ना इस कटोरी में डालूँगी। चलिए जी डाल दिया है मैंने इस कटोरी में। मम्मी ने ना भड्डू में इतनी ही दाल रख रखी थी और इसमें ना एक भी पानी नहीं था। अच्छा वो मैं जल्दी आ गई टाइम पे यहाँ बाहर, नहीं तो राजमा दाल और जो सोयाबीन है वो पूरी तरह से वो हो जाते, जल जाते। तो चलिए जी इसको लेके चलते हैं सिलबट्टे में। तो इसको मैं पीसूंगी सिलबट्टे में। राजमा दाल और सोयाबीन को मैंने यहाँ सिलबट्टे में भी डाल दिया है। अब इसको ना बारीक से पीसूंगी, मतलब पेस्ट बनाऊंगी इसका, वो भी इस पत्थर से। तो चलिए जी फटाफट से पेस्ट बना लेते हैं इसका। तो यहाँ सिलबट्टे में ना बारीक सा पेस्ट भी बना दिया है, इसको मैं रखूंगी इस थाली पे। तो दोस्तों यहाँ पे सोयाबीन और राजमा दाल का बारीक सा पेस्ट भी बना दिया है ना। इसमें मैं काटूंगी धनिया हो गया और लहसुन के पत्ते। धनिया मैंने काट के डाल दिया है, इसमें मैं डालूंगी सिलबट्टे से पीसे हुए मसाले जो कि सब घर का ऑर्गेनिक है, तो इतना तो मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच नमक की, तो इतना बहुत है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पे ना दाल में अच्छी तरह से मसाले वगैरह भी मिक्स कर दिए हैं रोटी बनाने के लिए। बनाने जा रही हूँ दाल से भरी हुई रोटी, तो आप लोगों के साथ नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने इस साल नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज राजमा दाल से भरी हुई रोटी, मतलब सोयाबीन और राजमा दाल से भरी हुई रोटी बनाई जाए। तो आप लोगों को बताऊँगी कैसे बनाई जाती है पहाड़ों में।
यहाँ बाहर पर ना अच्छी सी आग भी जला दी है और तवा भी चूल्हे में रख दिया है। लगता है तवा भी गर्म हो गया है। तो इसको ना चूल्हे में हल्का हल्का सेका जाता है कुछ इस तरह से, मतलब नॉर्मल रोटी की तरह बनाते हैं इसे। ये देखिए कुछ इस तरह से बनती है। और इसको मैं रखूंगी इस टोकरी में। तो चलिए जी, स्वादिष्ट दाल से भरी हुई रोटी भी बना दी है और मम्मी और भाई लोग तो खा ही रहे हैं, और साथ में है रोटी के साथ दूध। तो चलिए जी, गर्मा गर्म डिनर कर लेते हैं। और जो ये दाल से भरी हुई रोटी है ना, तो इसको हमारे पहाड़ों में मियासणे रोटी बोला जाता है। तो चलिए जी, आप लोगों को टेस्ट करके बताते हैं कैसा हो रहा है। काफी गजब का हो रहा है भाई स्वाद। तो आप लोगों ने बनाया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए जी, गर्मा गर्म डिनर कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।